हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ। इस नुस्खे के जरिए आप आसानी से अपने हाथों और पैरों की सफाई कर सकते हैं, यानी कि अपने हाथों पैरों पर सालों साल जमे गंदगी मैल को हमेशा के लिए फुला सकते हैं। चाहे टैनिंग आ गई हो या फिर आपके हाथ या पैर की स्किन फट क्यों ना गई हो, वो डेड स्किन वहाँ से ऐसे रिमूव कर देगा। मात्र एक ही बार में आपको इसका यूज करना है और आपके हाथ पैरों का रंग तेजी से गोरा हो जाएगा और आपके हाथ पैर भी एकदम आपके चेहरे की तरह चमकने लग जाएंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको अपने हाथों और पैरों को किस तरह से सुंदर गोरा बनाना है। सबसे पहले आपको लेना है गुनगुना पानी। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे गुनगुना पानी लिया है और ये इतना गुनगुना है कि मैं इसमें आसानी से अपने हाथों को डाल सकती हूँ। आपको भी इतने टेम्परेचर का गुनगुना पानी लेना होगा। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा लेमन रस। आपको गाइस इसमें आधे नींबू का रस ऐड करना होगा। लेमन के जरिए आप अपने सालों साल जमी गंदगी को आसानी से फुला सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स नींबू एक खट्टा पदार्थ होता है जो मैल को तेजी से फुलाने का कार्य करता है। आपको इसमें आधे नींबू का रस ऐड करना होगा। इस तरह से आप इसमें आधे नींबू का रस ऐड कर दीजिएगा। नींबू का रस ऐड करने के बाद आप बचे हुए छिलके को भी इसी में डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा बेकिंग पाउडर। आपको फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर ऐड करना है। इसमें आधे चम्मच के लगभग आप इसमें बेकिंग पाउडर को ऐड कर दीजिएगा। बेकिंग पाउडर भी हमारे हाथों पैरों पर जमी गंदगी को तेजी से फुलाता है, उसे तेजी से रिमूव करता है। देखिए बेकिंग पाउडर से कैसे इसमें बुलबुले आने लग गए हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारे हाथों पैरों पर जमी गंदगी को आसानी से हटा देगा। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना होगा सॉल्ट, यानी कि नमक। नमक हमारे बॉडी पर स्क्रबिंग का कार्य बहुत अच्छे से करता है। आधा चम्मच आपको इसमें सॉल्ट ऐड करना होगा। इसके बाद आपको इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना होगा, वो है आपका शैम्पू। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं आपको वो शैम्पू इसमें ऐड करना है। एक शैम्पू का पाउच आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैंने इसमें सभी चीजों को ऐड कर दिया है। अब आप इसे मिक्स कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको इसे 2 मिनट तक मिक्स करना होगा, क्योंकि हमने जो इसमें शैम्पू ऐड किया है वो नीचे बैठ जाएगा और उसे मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा और जब ये मिक्स हो जाएगा तो आपको इसे अपने हाथों और पैरों के ऊपर लगाना है। लगाना कैसे है, आपको इस नींबू का यूज करना है और इस तरह से आप अपने हाथों पैरों पर इसे बार बार लगाते रहिएगा। यानी कि पहले आप इसे एक हाथ पर इस तरह से लगा लीजिए और उसके बाद दूसरे हाथ पर इस तरह से हल्के हाथ से लगा लीजिए। मात्र आपको लगाना ही है, किसी तरह की कोई मसाज नहीं करनी है। इसके बाद आप इसे अपने पैरों पर लगाइए एक एक करके। जब आपके दोनों पैरों पर लग जाएगा तो आपको इस प्रक्रिया को लगभग 8 से 10 बार करना होगा। इस तरह से फिर आप दोबारा से अपने हाथों पर दोबारा से इसे लगाते रहिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके हाथों और पैरों के ऊपर जमी गंदगी को आसानी से फुला देगा। आपको फिर इस मसाज को अपने हाथों और पैरों पर लगभग 10 मिनट तक करना होगा और लगातार आपको इसे करते रहना होगा। आपको अपने हाथों और पैरों को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है, उन्हें गीला ही रहने देना है। इस तरह से आप इसे अपने हाथों और पैरों पर लगाते रहिएगा। और दूसरा, जब आप इसे लगाएंगे तो आपको इस तरह से या फिर इस तरह से बार बार नहीं करना है। आपको इसे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगाना है ताकि हमारा जो मैल है एक ही डायरेक्शन में आसानी से बाहर निकल जाए। 10 मिनट के बाद आप अपने हाथों पैरों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए और किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से मसाज कीजिए। अगर आपके पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, मलाई ले सकते हैं या फिर आप रोज वाटर से भी मसाज कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट की मसाज कीजिए अपने हाथों पैरों पर। हल्के हाथों से
और उसके बाद आपका जो मैल है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अगर आपकी फटी हुई एड़ियां हैं तो ये उसे भी तेजी से रिपेयर कर देगा। और फटी एड़ियों के लिए आपको इसे वीक में 2 बार यूज करना है। 2 बार में ही आपकी सारी गंदगी फटी एड़ियां हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स के जरिए भी मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।